सो गाइज, आज का हमारा वीडियो सेशन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मीन्स आज के वीडियो सेशन में हम लोग टोटली बात करेंगे कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, सही है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एग्जामिन्स एटीट्यूड्स, सोशल क्लाइमेट and performance within an organization by examining both individual and group behavior on a regional, national and global level. Organizational behavior क्या करता है? Examine करता है किस चीज का? किसी individual और group के attitude का, social climate का, उनके performance का, किस level पे? National level पे, regional level पे और global level पे। फिर से मैं दोनों डिफिनेशन क्लियरिफाई कर दूं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टडी है किसका? इंडिविजुअल का और ग्रुप ऑफ पर्सन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या करता है? किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के एटीट्यूड, सोशल क्लाइमेट, परफॉर्मेंस का एग्जामिन करता है, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तीनों लेवल पे उन्हें जांच करता है कि उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका सोशल क्लाइमेट, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू लुथेंस बात करें, लुथेंस के अनुसार क्या था? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आदमी काम कर रहा हो तो वह उसके दो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, या तो वह ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा लगाव रखेगा या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में उतना अपना इफेक्ट्स नहीं देना चाहेगा, मतलब कि वह नफरत करने लगता है। इसके बेसिस पे, मतलब इन दोनों के बेसिस पे वो पर्सन चाहे तो वह प्यार के बेसिस पे या फिर हेट के बेसिस पे कैसे अपने काम में अपना एफर्ट्स दिखाता है, चाहे वह प्यार करे या नफरत, इन दोनों बेसिस पे वह कैसे अपना एक्ट रिएक्ट करता है किसी भी वर्क में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देन फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप of the employees and apply some useful way to make the organizational more effective. Organizational behavior क्या करता है? Help करता है किसी भी इंसान का, किसी भी organization में employees का, group of employees का interpersonal skills को जानने के लिए, explain करने के लिए। ठीक है, और उसके basis पे कौन सा चीज, कौन सा effective way use करे वहाँ पे managers कि उनका परफॉर्मेंस और बढ़े और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस प्रोजेक्ट पे जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए वह बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू इनकरेज देयर सबऑर्डिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड स्किल्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है किसी भी सबऑर्डिनेट्स को इनकरेज करने में मैनेजर्स को, कि उनके बेसिस पे, मतलब उनके इंटरपर्सनल स्किल के बेसिस पे उनको इनकरेज करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिमिलरली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लोग चाहे किसी भी फील्ड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनके बीच में इंटरपर्सनल स्किल, उनके बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ बनाए रखने में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है। अब इसके डिटरमिनेंट्स या फिर हम बोलें कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को, वो कौन कौन से हैं, देन फर्स्ट कम्स टू
पीपल, मतलब अ एम्प्लॉइज स्पेंड्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एट वर्क, एक इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा अपना वर्किंग टाइम दे देता है. सो इट बेनिफिशियल दैट इफ दे आर इंजॉयबल हावर्स बट नॉट ऑलवेज दैट केस आर हैपेंस. तो यह मायने भी रखता है कि जो वह अपना काम में सारा टाइम दे रहा है वह इंजॉयबल हो. अगर मान लो कि आप 8 घंटे सुबह से 8 घंटे कहीं काम कर रहे हो, अगर आपका काम अच्छा नहीं हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप काम कर पाओगे? नहीं. लेकिन हर जगह पे ऐसा केस नहीं होता है. कहीं पे इंजॉयबल मोमेंट होता है लेकिन हर जगह पे इंजॉयबल भी नहीं होता है. जैसे कि कहीं कहीं पे आप देखोगे कि एम्प्लॉयज जो आपस में कास्टिज्म करते हैं, वे लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि वो पर्टिकुलर ये बैकग्राउंड से है, वो वैसा दिखता है, ऐसा है, वैसा है, इस बेसिस पे वे डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं जो उनसे लोअर लेवल के तरह के होते हैं लोग. तो इन सारे चीज़ों से भी फर्क पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे. अगर सारे पीपल एक जगह पे मिलजुल कर अच्छे से काम करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. प्रोडक्टिविटी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होगा. सो पीपल ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. नेक्स्ट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं कि गोल को देखते हुए सारे चीज़ों को एक अरेंज करना कि हमारा गोल अचीव हो जाए. इस बेसिस पे, उस बेसिस पे रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस, कैसे बिहेव करना है, कितने टाइम पे आना है, क्या क्या फॉर्मल ड्रेसेस पहनने हैं, किन किन लोगों से बात करना है, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो तो सुपीरियर से जा करके बात करनी है या नहीं, किस बेसिस पे काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट कम्स टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट कैसे डिटरमिनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का? तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन कम फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशंस, फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स विथ इन द एंटरप्राइज टू इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज. ठीक है, किसी भी इंटरनल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो कॉम्पोनेंट्स, फैक्टर्स जो बढ़ावा देते हैं एक्टिविटीज को, वहां पे होने वाले कामों को एंड एम्प्लॉयज को. ठीक है, एक्सटर्नल बिहेवियर की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो देन पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, चाहे उस कंट्री का इकोनॉमी फैक्टर्स हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्ट्रगलिंग कंपनी, मतलब कि स्ट्रगलिंग कंपनी जो अपना मार्केट में नाम बनाना चाहता है, उसका कल्चर, उसका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होगा वहाँ पे वेल सेटल कंपनी के अकॉर्डिंग. सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में.